हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास सेवन्थ आईसीएसई बोर्ड, जिसके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। एंड और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर थर्ड, दैट इज एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये सभी स्टार्ट किया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमने एक माइंड मैप पढ़ा था, ठीक है, और मिक्सचर्स के टाइप पढ़े थे, कैसे कैसे हम किस किस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर्स को, और हमने पढ़ा था एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और एलिमेंट्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, फीचर्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमने सिंबल ऑफ एलिमेंट भी पढ़ा था। हम हर एलिमेंट को एक सिंबल देते हैं जिससे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से कुछ सिंबल्स ऐसे थे जिन्हें लैटिन नेम से ड्राइव किया गया था, ठीक है, लैटिन नेम से उनका सिंबल लिया गया था। कुछ ऐसे थे जो उनके डिस्कवरर के नेम के बेस पर रखा गया था, कुछ प्लेस कंट्री या फिर गॉड के नेम पर रखा गया था, कुछ हेवनली बॉडीज़ के नेम पर रखा गया था, या फिर किसी कलर के नेम पर रखा गया था, एटसेट्रा। हमने ऐसे पढ़े थे सिंबल्स, ठीक है। होप आपने रिवाइज किए होंगे, लर्न किए होंगे, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपके जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, आपका कंपाउंड बना लेते हैं। सो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं, जो बनते हैं, वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। किसके केमिकल कॉम्बिनेशन से, ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, उससे कंपाउंड बनता है। एक फिक्स्ड रेशियो में वो एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटल। वो कब बनते हैं कंपाउंड्स, जब कोई भी मेटल आपका नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, और व्हेन टू नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर, या फिर जब दो नॉन मेटल्स एक साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। दो मेटल्स रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बना सकते। कब बनेगा कंपाउंड, जब या तो मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा या फिर दो नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन कंपाउंड्स के जो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये सभी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन करवाया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कंपाउंड्स के जो दो नॉन मेटल्स से बनते हैं, ठीक है, दो नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनके रिएक्शन से बनते हैं, वो हैं आपके वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, सब में आपको एग्जांपल्स लर्न करने ही करने पड़ते हैं। कंपाउंड्स हैव दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपाउंड्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एलिमेंट्स में क्या होते हैं, सेम एटम, एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होता है, जबकि कंपाउंड में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कंबाइंड रहते हैं आपके फिक्स रेशियो में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2। जब जो फॉर्मूला होता है वाटर का, जो हम वाटर पीते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, जिसमें कंबाइंड रहते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनका रेशियो होता है 1:2, फिक्स रहता है, मीन्स हाइड्रोजन का 1 पार्ट होता है और ऑक्सीजन के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक और कंपाउंड होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है, बट उसका रेशियो अलग होता है, 1:1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन का 1:1 और ऑक्सीजन का 1 पार्ट, ठीक है। तो एक कंपाउंड में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड क्या हो गया, यहाँ पर हमारा वाटर हो गया, वाटर में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, सेम रेशियो में, फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं, मदर कंपाउंड की बात करते हैं, तो उसमें रेशियो क्या हो जाता है, आपका डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस एज इट इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। कंपाउंड क्या होता है, आपका एक प्योर सब्सटेंस होता है, क्या होता है, आपका प्योर सब्सटेंस होता है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है। एलिमेंट भी आपका प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, जबकि कंपाउंड भी आपका प्योर सब्सटेंस है, क्यों, क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है, तो एटम मॉलिक्यूल अलग होगा, ये ध्यान रखना। अ कंपाउंड कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू अ सिंपलर फॉर्म इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। एक कंपाउंड को आप सिंपल फॉर्म में और स्प्लिट नहीं कर सकते, उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो फिजिकल मेथड से, यानी कि
कुछ अपने हैंड्स को यूज़ करके आप नॉर्मल मेथड से आप कंपाउंड को स्प्लिट नहीं कर सकते हो सिंपल फॉर्म में, जबकि हमने एलिमेंट्स में क्या पढ़ा था, एलिमेंट्स को तो हम कैसे भी किसी भी मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत मोस्ट सिंपल फॉर्म है एलिमेंट्स, जबकि कंपाउंड क्या है उसे आप सिंपल फॉर्म में क्या नहीं कर सकते हो, स्प्लिट नहीं कर सकते हो फिजिकल मेथड से। एनर्जी इज नीडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी की ज़रूरत होती है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में टू स्प्लिट इट इनटू अ सिंपलर फॉर्म, एनर्जी की ज़रूरत होती है जिससे वो स्प्लिट हो जाती है सिंपल फॉर्म में और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और उसके, या फिर जब हम उसे कंपाउंड को एनर्जी देते हैं वो एनर्जी हम हीट, लाइट या इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में देते हैं जिससे वो कंपाउंड आपका स्प्लिट हो जाता है सिंपल फॉर्म में, या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो जिस एलिमेंट से वो मिलकर बना होता है वो आप उसके सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट्स इंटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, जब आप उसे स्ट्रांगली हीट करते हो, एंड वाटर स्प्लिट्स इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, और वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो। ओके तो ये कंपाउंड के हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे मत कर देना कि कंपाउंड के फीचर्स आप एलिमेंट्स में लिख रहे हो जब और एलिमेंट्स के कंपाउंड में लिख दिए हैं, गलत हो जाएगा। अ कंपाउंड डज नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अ कंपाउंड डज नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कंपाउंड में अब मैंने बताया दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले होते हैं तो हर एलिमेंट की अब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो गई है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपाउंड में भी आए, नहीं, उस कंपाउंड की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, मैटर नहीं करता कि उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज कम्बस्टिबल, हाइड्रोजन जो है वो कम्बस्टिबल है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स कम्बशन, और ऑक्सीजन जो है वो कम्बशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, बट वाटर हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश वाटर, देखो अब हाइड्रोजन कम्बस्टिबल है जल्दी आग पकड़ लेता है और ऑक्सीजन जो है वो कम्बशन को सपोर्ट करता है, लेकिन वाटर जो है हेल्प करता है फायर को बुझाने में, तो देखा ना हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की अलग है, लेकिन उन दोनों को जब कंपाउंड बना दिया गया तो उससे जो वाटर बना उसकी प्रॉपर्टीज अलग बनी, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही सपोर्ट करते हैं कंबशन में, लेकिन जब वो मिक्स हो जाते हैं एक साथ कंपाउंड बना लेते हैं मिलकर तो वो फायर को एक्सटिंग्विश करने में, फायर बुझाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़, जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी, ये सभी फिक्स्ड रहती हैं कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, एंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर कंपाउंड्स, और दूसरे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, जैसे यहाँ पर वाटर दे दिया आपको, ठीक है, और एक दूसरा वो दे दिया कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप आगे पढ़ोगे, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स अलग होंगे, डेंसिटी अलग होगी और इसका ही अलग होंगी, तो ये बात आपको इस पॉइंट में बताई हुई है। अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला, एलिमेंट को जो हम रिप्रेजेंट करते थे एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, जबकि जो कंपाउंड होता है वो उसे हम केमिकल फार्मूला से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का वो आपको एलिमेंट्स दिखाता है जो उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और हर एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, ये दो बातें वो एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हमें बताता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो दो बातें बताता है, क्या क्या, पहली एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं कंपाउंड में, ठीक है, और जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके हर एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ये दो बातें किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बताता है। फॉर एग्जांपल द फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट यानी जो नॉर्मल सॉल्ट हम डेली में यूज़ करते हैं और उसे हम केमिकल लैंग्वेज में बोलें, केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोलें तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है NaCl, Na हो गया आपका सोडियम, याद किया होगा आपने, एंड Cl होता है आपका क्लोरीन, ठीक है, shows that is formed, that it is formed by the chemical combination of an atom each of sodium and chlorine. NaCl से आपको ये पता पड़ता है कि ये जो बना है NaCl, जो ये कंपाउंड बना है ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है जिसमें सोडियम और क्लोरीन का एक एक एटम लिया गया है, सोडियम और क्लोरीन का एक एक एटम लिया गया है, आप देखिए NaCl लिखा हुआ है,
यहाँ पर कोई 1, 2, 3 ऐसे काउंटिंग्स नहीं लिखी हुई, तो यानी कि सोडियम का एक एटम है और क्लोरीन का एक एटम है। तो ये केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं ये हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही समझिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, कंपाउंड्स के। आगे क्या है, सम कंपाउंड्स देयर फार्मूला एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन देम आर गिवन इन द टेबल बिलो। ये जो आप नीचे टेबल देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनके फार्मूला दिए हुए हैं, और इस साइड दिए हुए हैं कि उस फॉर्मूले में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, एक एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स उसके प्रेजेंट हैं, आपको ये बताया हुआ है, ठीक है। कंपाउंड फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स, जैसे सैंड है कंपाउंड हो गया, उसका फॉर्मूला होता है आपका SiO2, तो Si का एक एटम होता है सिलिकॉन का, और ऑक्सीजन के होते हैं आपके दो एटम्स। देखिए फॉर्मूले से पता पड़ रहा है ना, सिलिकॉन के आगे कुछ नहीं लिख रहा है यानी कि एक एटम है, और ऑक्सीजन के आगे दो लिख रहा है तो 2 एटम्स हो गए उसके ऑक्सीजन के। नेक्स्ट है मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला होता है CaCO3। Ca क्या होता है आपका, कैल्शियम, C हो गया फिर कार्बन, O3 हो गया ऑक्सीजन। तो देखिए Ca यानी कि कैल्शियम का एक पॉइंट है, एक एटम प्रेजेंट है, कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अमोनिया NH3, एन यानी नाइट्रोजन, एच हो गया आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। तो होप आपको समझ में आ रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस फॉर्मूले याद हो अगर आपको कंपाउंड्स के, तो आप नंबर ऑफ एटम्स इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम, Na होता है आपका सोडियम, H क्या हो गया हाइड्रोजन, C कार्बन एंड O ऑक्सीजन। Na का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम एंड ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। O के नीचे 3 लिख रहे हैं, तो यानी कि ऑक्सीजन के हैं ये, पूरे के नहीं है, O के हैं 3 सिर्फ। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा ग्लूकोज, C6H12O6। ये ग्लूकोज वही ग्लूकोज है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं, 6 एटम्स हैं आपके ऑक्सीजन के। शुगर C12H22O11, तो कार्बन के 12 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 22 एंड ऑक्सीजन के 11। नेचुरल गैस CH4, तो ठीक है CH4 को हम मिथेन भी बोलते हैं, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। तो ये फिलहाल बेस चल रहा है गाइस आपका, तो ध्यान से अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिए, नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या फिर आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है आपका CH4, कार्बन का एक एटम हो गया और हाइड्रोजन के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, क्या है इसमें, आपको टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। एम क्या है आपका इस एक्टिविटी का, कि आपको इस एक्टिविटी में क्या करने वाले हो, कि एलिमेंट और कंपाउंड को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एलिमेंट है ये कंपाउंड है। तो आपको इसमें क्या क्या एक्टिविटी में चाहिएगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड कंपाउंड है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, अ बर्नर, ठीक है, ये सब आपको चाहिएगा। अब देखिए क्या करना है, टेक अ पिंच ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और पिंच यानी कि एक चुटकी मर्क्यूरिक ऑक्साइड लीजिए एंड नोट इट्स कलर, उसका कलर देखिए कलर कैसा है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। होल्ड द टेस्ट ट्यूब विद द टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर प्रेजेंट होता है आपके केमिस्ट्री लैब में, तो उसे टेस्ट ट्यूब को पकड़िए टेस्ट ट्यूब होल्डर से एंड हीट इट स्ट्रांगली ओवर द बर्नर, और बर्नर चलाइए और बर्नर पर उसे हीट कीजिए स्ट्रांगली, नोट द कलर चेंज। आप हीट जब होगा वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो उसमें कलर चेंजेस आएंगे। हीट द टेस्ट ट्यूब अगेन, जो कलर चेंज आया उसे लिख लीजिए, फिर से टेस्ट ट्यूब को हीट कीजिए एंड सी, और ये देखिए इफ देयर इज एनी फर्दर चेंज इन कलर, की कलर में क्या और कोई चेंज आ रहा है। तो अब देखिए ये प्रोसीजर करने के बाद हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस आती हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज ऑरेंज इन कलर। जब हमने हीट करने से पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कलर नोट डाउन किया था, तो वो होता है आपका ऑरेंज। ऑन हीटिंग, जब आपने हीट करी, द कलर चेंजेस टू सिल्वर एंड अ गैस इज इवॉल्व। जो कलर था ऑरेंज कलर था वो सिल्वर कलर में चेंज हो जाता है और एक गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज अ कंपाउंड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है, क्योंकि देखिए आप मर्करी और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, इसलिए कंपाउंड हो गया। विच स्प्लिट्स इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो अब उसके हीट करने पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। बताया था ना कंपाउंड्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में फिजिकल मेथड से स्प्लिट नहीं कर सकते, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ती है या हीट करना पड़ता है। जब हमने हीट किया तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अलग हो गए, मर्करी एंड ऑक्सीजन,
ऑन फर्दर हीटिंग, फिर जब हमने और हीटिंग करी, नो चेंज हैपन्स एज मरकरी इज एन एलिमेंट, कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि मरकरी एक एलिमेंट है, अलग हो गया, वो सेपरेट हो गया, और हम एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटांसेज, और हम मरकरी को और सिंपल फॉर्म में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं. द कलर ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मर्करी एंड ऑक्सीजन. मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो कलर था वो मर्करी एंड ऑक्सीजन के कलर से क्या है, डिफरेंट है. तो इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकलता है, ये रिजल्ट निकलता है दैट मर्करी एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स. मर्करी एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं जो हमें मिले कब, जब हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया था. एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज अ कंपाउंड, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या है, आपका एक कंपाउंड है. होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में. अब देखिए, ये हमारा मिक्सचर, सॉरी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. अब यहाँ से हमारा इस चैप्टर का जो हमारा थोड़ा बड़ा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, दैट इज़ मिक्सचर्स. मिक्सचर्स में हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स पढ़ेंगे, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप्स हैं, कैसे कैसे हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, वो टेक्निक्स हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. सो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होप आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं. मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस होता है, एलिमेंट और कंपाउंड आपके प्योर सब्सटेंस थे. मिक्सचर आपका इम्प्योर सब्सटेंस है विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड फिजिकली इन एनी रेशियो. जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम कंबाइन कर देते हैं फिजिकली, हैंड से ऐसे ही मिक्स कर दिया किसी भी रेशियो में, किसी फिक्स रेशियो में नहीं करते, किसी भी रेशियो में, तो वो आपका मिक्सचर बन जाता है. देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ मिक्सचर्स. इन्फिनाइट नंबर ऑफ मिक्सचर्स, इन्फिनाइट होता है आपका एंडलेस, एंडलेस नंबर ऑफ मिक्सचर्स हैं. इनफैक्ट मोस्ट थिंग्स इन नेचर आर मिक्सचर्स. नेचर में मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो मिक्सचर्स होती हैं, जैसे सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर इन ओशियंस एंड सीज. मैनी थिंग्स दैट वी यूज डेली इन द किचन, जो बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली किचन में यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क, टैप वाटर, जूस एंड हनी, ये सब भी क्या हैं, आपके मिक्सचर्स हैं. आगे बढ़ने से पहले ये देखिए, आपको एक ट्राई आउट दिया हुआ है, एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड है. नेम एनी थ्री कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एज वन ऑफ इट्स एलिमेंट्स. कोई भी थ्री कंपाउंड्स आपको ऐसे बताने हैं जिसमें क्या है, हाइड्रोजन उसमें होना ही होना चाहिए. क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए. तो कोई भी थ्री कंपाउंड्स आप बता सकते हैं. हमने पीछे पढ़ा था क्या क्या है, वो है आपके वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड नेचुरल गैस. वाटर जिसका फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है तो H आ गया. दूसरा क्या एग्जांपल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है H2O2, ठीक है, H हो गया उसमें भी. और नेचुरल गैस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा CH4 होता है, तो वो भी हो गया. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. आपको कुछ एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं, उनके सिंबल्स आपको बताने हैं. कैल्शियम का Ca होता है, जिंक का Zn, फ्लोरीन का F एंड आयरन का होता है आपका Fe, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, राइट अ सिमिलैरिटी बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड. एलिमेंट और कंपाउंड में कोई सिमिलैरिटी बतानी है, डिफरेंसेस नहीं, सिमिलैरिटी जो दोनों में हो. तो क्या बता सकते हो, आपकी दोनों ही क्या हैं, आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं. एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो 1:2. कार्बन एंड ऑक्सीजन को 1:2 के रेशियो में कंबाइन किया गया. और फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, दे कंबाइन इन द रेशियो 1:1, और उसमें कंबाइन किया गया 1:1 में, किसे, कार्बन एंड ऑक्सीजन को ही. एक एक्सपेरिमेंट में तो 1:2 के बेस पर क्या किया गया, कंबाइन किया गया, और दूसरे में 1:1 में. विल द सेम कंपाउंड बी फॉर्म्ड इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स, दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स में क्या सेम कंपाउंड बनेगा, अपने आंसर दीजिए, ठीक है. क्या करेंगे आप इसमें, देखिए क्या किया था, फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें जो कार्बन एंड ऑक्सीजन को 1:2 के रेशियो में कंबाइन किया गया. तो जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी के बाद आ रहा है टू, क्या आ रहा है, C2O, एक एलिमेंट, तो फिर ये बन गया आपका एक कंपाउंड, ठीक है. फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें 1:1 के में करते हैं, 1:1 में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो CO बनता है यहाँ पर. तो दोनों अलग हो गए ना, बोथ आर, क्या लिखेंगे आप, बोथ आर डिफरेंट. दोनों जो है कंपाउंड्स बने आपके अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, वो डिफरेंट बने, ठीक है. तो आपने आंसर दे दिया. अब हम आगे बढ़ें,
नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स. हम मिक्सचर्स पढ़ रहे थे, क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं जब बनते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी रेशियो में कंबाइन कर देते हैं. अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं. बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टेट ऑफ मैटर कैसी है, इस बेसिस पर मिक्सचर्स को हम इस फॉलोइंग फॉर्म्स में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट है सॉलिड सॉलिड, ठीक है. सॉलिड सॉलिड में क्या है, द मिक्सचर्स दैट कंटेन ओनली सॉलिड्स, वो मिक्सचर्स जिसमें सिर्फ सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स बोलते हैं. सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है आपका गाइस सॉइल, बिकॉज इट कंटेन्स सैंड रॉक क्ले एंड सिल्ट, क्योंकि इसमें सैंड रॉक क्ले सिल्ट होते हैं जो सभी क्या हैं आपके सॉलिड्स हैं, ठीक है. तो ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो गया जिसमें सारे सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं. स्मॉल स्टोन्स मिक्स्ड विद राइस और पल्सेस, राइस जैसे हम दाल चावल साफ करते हैं तो उसमें छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं तो सॉलिड ही तो हो गए, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो गया. एंड अलॉयज, कुछ अलॉयज होते हैं जैसे ब्रास एंड स्टील, ये सब भी एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ही मिक्सचर के, क्या किसके, सॉलिड सॉलिड के. तो नाम से ही समझ में आ रहा है सारा सॉलिड होगा. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, सॉलिड लिक्विड, अ मिक्सचर इन विच अ सॉलिड इज मिक्सड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. अब देखो सॉलिड पहले लिख रहा है और लिक्विड बाद में, तो इसमें क्या है, एक ऐसा मिक्सचर हो गया जिसमें अ सॉलिड इज मिक्सड इन अ लिक्विड, लिक्विड में हम सॉलिड को मिक्स करते हैं, ठीक है. वो हो गया आपका सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, इन विच वी डिजॉल्व और इन विच वी विल मिक्स सॉलिड इन लिक्विड. सॉल्यूशंस ऑफ शुगर सॉल्ट और बेकिंग सोडा इन वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर. सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हम गर्मियों में तो खासकर बनता ही, जब हम क्या बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, है ना. तो क्या करते हैं, वाटर में शुगर को डिजॉल्व करते हैं, या नींबू पानी बनाया तो सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं, तो वाटर में ही तो करते हैं, तो सॉलिड का लिक्विड हो गया मिक्सचर. तो लिक्विड में आप सॉलिड को ही तो डिजॉल्व करते हो. टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन आते हैं विच इज़ यूज टू ट्रीट वाउंड्स, जो हमारे घाव हो जाते हैं उन्हें साफ करने के लिए टिंक्चर ऑफ आयोडीन यूज़ किया जाता है. ये भी ऐसे ही मिक्सचर का एग्जाम्पल है, बिकॉज इट हैज़ सॉलिड आयोडीन डिजॉल्व्ड इन लिक्विड अल्कोहल. ये जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है इसमें क्या करते हैं, लिक्विड अल्कोहल में, ये अल्कोहल वो नॉर्मल अल्कोहल नहीं है, इसमें क्या होता है, ये अलग अल्कोहल होता है, ठीक है, जो केमिस्ट्री में और केमिकल लैब्स में यूज़ होता है. इसमें क्या करते हैं, लिक्विड अल्कोहल में सॉलिड आयोडीन के पार्टिकल्स को डिजॉल्व करते हैं, तो ये सॉलिड लिक्विड मिक्सचर बन जाता है जिसे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, लिक्विड लिक्विड है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लिक्विड लिक्विड को मिक्स करते हैं. अ मिक्सचर इन विच अ लिक्विड इज मिक्स विद अ लिक्विड, ऐसा मिक्सचर जिसमें लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं उसे हम लिक्विड लिक्विड मिक्सचर बोलते हैं. सॉल्यूशंस ऑफ इंक इन वाटर, वाटर में जब आप इंक डिजॉल्व करते हो. मिल्क इन वाटर, वाटर में जब आप मिल्क मिला देते हो, मिल्क में वाटर सॉरी. एंड लेमन जूस इन वाटर, वाटर में जब आप लेमन जूस मिला देते हो तो आपका लिक्विड लिक्विड मिक्सचर बन जाता है, जब दोनों ही एलिमेंट्स आपके मिक्सचर क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं. नेक्स्ट है आपका सॉलिड गैस, यानी कि गैस में आपने सॉलिड मिक्स करते हैं. मिक्सचर इन विच अ सॉलिड इज मिक्स्ड इन अ गैस इज कॉल्ड सॉलिड गैस मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें गैस में सॉलिड मिक्स किया जाता है, जैसे स्मोक विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन गैसेस. स्मोक जो होता है उसमें क्या होते हैं, गैस में कार्बन के पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. एंड डस्ट पार्टिकल्स मिक्स विद एयर, एयर गैस फॉर्म में हो गई और उसमें डस्ट पार्टिकल्स, ये सभी किसके एग्जांपल हो गए, सॉलिड गैस के. नेक्स्ट मिक्सचर का क्लासिफिकेशन है गैस लिक्विड, यानी कि लिक्विड में गैस डिजॉल्व करते हैं. अ मिक्सचर इन विच अ गैस इज मिक्स इन अ लिक्विड, लिक्विड में गैस मिक्स करी गई तो गैस लिक्विड मिक्सचर बन गया. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स दैट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कैसी होती हैं, जब हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या होता है, जब आप उसकी निब को ऑन करते हो, उसके सॉरी उसका ढक्कन खोलते हो तो क्या होता है, गैस निकलती है ना, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ही तो होती हैं ये. कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो वाटर में डिजॉल्व होती है. एंड ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, और ऑक्सीजन को भी आप डिजॉल्व कर रहे हो वाटर में, तो ये ऐसे ही एग्जांपल बन जाता है गैस लिक्विड का. और लास्ट है आपका गैस गैस, क्या गैस गैस, जिसमें आप गैस को गैस में डिजॉल्व करते हैं. अब मिक्सचर इन विच अ गैस इज मिक्स विद द गैस इज कॉल्ड अ गैस गैस मिक्सचर. एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, एयर जो है वो बहुत, उसमें बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट होती हैं तो वो मिक्सचर ही हो गई एयर, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये एयर आपका गैस गैस का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है. तो आज हम यहीं तक करेंगे, होप आपको गाइस समझ में आया है. नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके देखिए, और आप अपने डाउट्स कमेंट करके हमें बता सकते हैं. और सिर्फ डाउट्स ही नहीं, आप हमें ये भी बताइए आपको वीडियोज़ कैसी लगी, कोई डाउट है तो आप बताइए.
हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। और किसी अलग टॉपिक पर भी आप अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप न्यू व्यूअर हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमने बायोलॉजी ICSE बोर्ड क्लास 7th और हम केमिस्ट्री चली रही है, फिजिक्स भी चल रही है हमारी साथ साथ, बायोलॉजी एंड वैल्यू एजुकेशन जिसे आप हारमोनी विद योगा कहते हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं। थैंक यू।